में उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर में हिंसक भीड़ की गोलियों के शिकार इंस्पेक्टर सुबोध सिंह और गाजीपुर में चक्काराम की भीड़ के पथराव का शिकार हवलदार बक्स और उनके परिवार की उनकी बहादुरी को सराहनीय। पिछले एक साल में नक्सली आतंकी और भीड़ की हिंसा में जो भी सेना के जवान और पुलिस के कर्मी शहीद हुए हैं उनको प्रणाम करना चाहता हूं इस लाल किले के कवि सम्मेलन से, इस मंच से, इन पंक्तियों के माध्यम से। कौन कहता है सो गए हो तुम, सारे वतन के हो गए हो तुम। हाय हाय सैल्यूट। दोस्तों, पूरे देश में स्वच्छता का एक सर्वेक्षण हुआ। 100 शहरों के सर्वेक्षण में मुझे कहने में बड़ा फख्र है कि पहले स्थान पर इंदौर आया और दूसरे स्थान पर भोपाल आया। वाह। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई शहर इस बात से सभ्य नहीं हो जाता कि वो कितना साफ सुथरा है, कोई शहर इस बात से सुसंगत नहीं हो जाता कि वहां कितने पढ़े लिखे लोग रहते हैं। मैं एक बात आपके बीच कहना चाहता हूं, किसी शहर के सभ्यता और संस्कृति का एक ही पैमाना है कि उस शहर में नारी का सम्मान कितना है। बढ़िया बात। वाह। उस शहर की गलियों में बालिकाएं कितनी महफूज हैं। तब एक छोटा सा दृश्य चित्र आपके बीच रखना चाहता हूं। हमारे नेशनल पार्क में, वाइल्ड लाइफ में, फॉरेस्ट में, जंगल में ऐसे दृश्य बहुत आम होते हैं जब नन्ही चीतल को मारकर शेर सावक खा रहे होते हैं। उनकी माँ शेरनी उन्हें दुलारती है, उन्हें चाटती है। थोड़ी दूर झाड़ी में खड़ी उस नन्हे चीतल की माँ डरी और सहमी अपनी विवशता और बेबसी पर आंसू बहा रही। दोस्तों, ये जंगल है और जंगल में एक माँ की चीख दूसरी माँ को सुनाई नहीं देती। आए हाय, आए हाय। लेकिन हम जंगल में नहीं, बस्ती में रहते हैं। अगर हमने अपनी माँ बहन और बेटी की चीख नहीं सुनी तो हम में और जंगल के जानवर में कोई अंतर नहीं है। बेशक अगर दिल्ली में किसी दामिनी, मेरठ में किसी इमराना और भोपाल में किसी काजल की चीख अनसुनी हो गई तो हमें खुद को इंसान कहने का हक नहीं रह जाएगा। तब कहना चाहता हूं कि हम मानव हैं, हम मानव हैं, हमको माँ की चीख सुनाई दे, फूलों पत्तों में जीवन का रूप दिखाई दे। जंगल में अच्छे लगते हैं जंगल के कानून, जंगल में अच्छे लगते हैं जंगल के कानून, इंसानों की बस्ती है कुछ फर्क दिखाई। मैं एक सवाल करना चाहता हूं यहाँ लोगों से कि कितने खेल प्रेमी जो इस प्रांगण में मौजूद हैं अगर अपना हाथ उठाएं, जो खेलों में रुचि रखते हो, तो मुझे लगता है बहुत सारे खिलाड़ी हैं, खेल प्रेमी हैं। दोस्तों, मैं एक खेल प्रेमी हूं। एक काम मैं बचपन से पूरी शिद्दत से करता हूं कि जब भी अखबार पढ़ता हूं पहला पन्ना खेल का पढ़ता हूं। मेरे जैसे करोड़ों खेल प्रेमी हिंदुस्तान में हैं, उनकी आंखों में खुशी के आंसू होते हैं जब दुनिया के सबसे बड़े खेल मेले ओलंपिक में जनगण मन की धुन पर तिरंगा ऊपर जाता है। क्या कहने, वाह। और उसके नीचे एक हिंदुस्तानी मुस्कुराता है। खिलाड़ी गीत हैं, गालिब की गजल है, गंगा है, सुना दे जो हमें जनगण, खिलाड़ी वो तिरंगा। लेकिन अफसोस एक बात का है दोस्तों कि 130 करोड़ के हिंदुस्तान में 120 साल के ओलंपिक के इतिहास में एक भारतीय हमें राष्ट्र धुन सुनवा पाता है। जब पूरी दुनिया फुटबॉल की धुन पर नाचती है, रोनाल्डो, मेसी, नेमार और लुक्का का नाम झूम झूम कर बाजती है, तब हिंदुस्तान विश्व कप फुटबॉल में खेलने की योग्यता नहीं पाता। और जब अखबार पढ़ते हैं तो उनमें खेलों की खबरें कम, घपले घोटालों की खबरें ज्यादा हो। जो लोग दिल्ली के हैं वो जानते हैं
कि राष्ट्रमंडल का आयोजन हो या किसी स्टेडियम का निर्माण, खेल खत्म और पैसा हजम का खेल हिंदुस्तान में ज्यादा खेला जाता है। अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, अर्जेंटीना में जितने हजारों करोड़ों के आयोजन होते हैं, उससे ज्यादा का खेल तो हमारे अधिकारी और पदाधिकारी हिंदुस्तान में कर जाती है। हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कलमांडियों का, कोंडाओं का, ललित मोदियों का, विजय माल्याओं का। इन्होंने बता दिया दुनिया में कि हमारी पाचन शक्ति कितनी विशाल है। अभी नीरव मोदी और महेश चौकसी ने बताया कि हमारी अर्थव्यवस्था कितनी विराट है। दोस्तों, ये मेरी पीड़ा की कविता है। मैं चाहता हूं कोई मैरी कॉम, कोई पीवी संधू, कोई मनु भाकर, कोई बजरंग पुनिया, कोई विनेश फोगाट, कोई नीरज चोपड़ा हमें अगले ओलंपिक में राष्ट्र धुन सुनवा। मैं ये कविता पढ़ना चाहता हूँ इस कामना के साथ कि अगले ओलंपिक 2020 में जब हिंदुस्तान के खिलाड़ी जाएं, तो हमें तिरंगे के नीचे एक नहीं अनेकों अभिनव बिंद्रा राष्ट्र धुन सुनवाते नजर आए। हम ओलंपिक में पदक नहीं जीत पाते, ज्यादातर खाली हाथ लौट कर आते हैं। विश्व कपों में खेलना तो दूर की बात है, हम क्वालिफाइंग राउंड में ही बाहर हो जाते हैं। हर प्रतियोगिता से पहले हम स्वर्णिम आशा की ज्योति दिल में जगाते हैं और अरमानों के बुझे हुए दिए लेकर, क्योंकि पीवी संधू और साक्षी मलिक को छोड़कर बाकी सब तो पहले राउंड में ही बाहर हो जाते हैं। जब छोटे छोटे देश पदकों से झोली भर आसमान गुजाते हैं, अपनी विजय पताका बड़ी शान से फहराते हैं, हम 130 करोड़ होके भी जनगण मन के जयघोष को तरह जाते हैं। मामले की गंभीरता को जानकर सरकार ने इसके कारणों की जांच के लिए जांच आयोग बिठाया और जांच आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह पाया कि ओलंपिक में हमारा पदक न जीत पाना एक विदेशी साजिश का हिस्सा है। यही हमारी दर्द भरी दास्तान का किस्सा है कि जिन खेलों में हमें महारत हासिल है वो खेल ओलंपिक में नहीं करवाते। यदि भ्रष्टाचार की दौड़ और कमीशन की होड़ ऐसी प्रतियोगिता ओलंपिक में शामिल करवाएं, तो हमारे नेता, अधिकारी और कारोबारी बैंक घोटाले और हवाला की धूम सारी दुनिया में मचाएं। व्यापम के घोटाले से लेकर रक्षा घोटालों के गड़बड़ झाले के नितने कारनामे बतलाएं और एक एक कलमाड़ी, ललित मोदी और महेश चौकसी जाने कितनी ओलंपिक कमेटियों को चूना लगा के आ जाएं। बहुत अच्छे। यदि कुर्सी पर जमे रहने के लिए अपने किसी दुबले पतले मरियल नेता को भी भिजवाएं, तो दुनिया के बड़े से बड़े पहलवान उनको हिला नहीं पाए। यदि दंगा करवाने के लिए किसी मंदिर के पुजारी या मस्जिद के मौलवी को ले जाएं, तो वो सोने चांदी और तांबे के सारे तमगे समेट कर ले। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। यदि धीमी चाल से घटना स्थल पर पहुंचने के लिए पदक दिलवाए जाएं, तो भारतीय पुलिस के मुकाबले आधी टीमें तो थककर ही मैदान से हट जाएं। हम आंकड़ों के खेल में सारी दुनिया को धता बता सकते हैं, कागजी वादों से भूचाल ला सकते हैं, शिलान्यास के पत्थरों से हवाई किले बना सकते हैं। झूठ बोलने में हम ओलंपिक का नया इतिहास बना सकते हैं। चमचागिरी में सारे जहां से लोहा मनवा सकते हैं, बेशक दल बदल के सारे कीर्तिमान मिटा सकते हैं और नकल करने में बंदर को भी उल्लू बना सकते हैं। हाय हाय, अच्छा है। लेकिन मुश्किल तो यह है कि ओलंपिक में ये सब नहीं करवाते, इसलिए हम मुंह की खाते हैं और खाली हाथ लौटकर घर आते हैं। एक विद्वान ने
जीतने का नया तरीका बताया। अच्छा, क्या जरूरी है हमारे खिलाड़ी पदक जीते? हम दूसरों के पदकों पे अपना दावा कर सकते हैं, हम दूसरों के पदकों पे अपना दावा कर सकते हैं। किसी माइकल फेलिक्स, उसेन बोल्ट, विलियम्स बहनों और रोनाल्डो के मूल और जन्म स्थान पर विवाद खड़ा कर सकते हैं। बहुत अच्छा व्यंग्य है। अपने अपने नटवर लालों और दलालों से जैसे चाहे शपथ पत्र बनवा सकते हैं, और ओलंपिक चाहे अमेरिका में हो या ऑस्ट्रेलिया में, इससे तो हम किसी भी कोर्ट से ला सकते हैं। जांच आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह भी सुझाया कि खिलाड़ियों का चयन भाई भतीजावाद के आधार पर होना चाहिए, और खिलाड़ियों से ज्यादा इन खिलंदड़ अधिकारियों को शासकीय खर्चे पर विदेशों में भेजना चाहिए, ताकि ये शासकीय खर्चे पर विदेशों में सैर सपाटा कर सकें और अपने ज्ञान से खेल और खिलाड़ियों का बनकर ढाल कर सकें। मंत्री जी ने रिपोर्ट पढ़ी और बोले कि भारत का ओलंपिक में पदक न जीत पाना विदेशी साजिश का हिस्सा है। अगले ओलंपिक हम अपनी राजधानी में करवाएंगे, और ओलंपिक भारत में हो या ना हो, रेफरी और एम्पायर हम अपने भिजवाएंगे। बहुत अच्छे। रेफरी और एम्पायर हम अपने भिजवाएंगे। जब हम तिजोरी खोलकर अल्पमत से बहुमत में आ सकते हैं, तो क्या विदेशी खिलाड़ियों को नहीं घुसला सकते हैं? और जरूरी हुआ तो प्रतियोगिता के नियम ही बदलवाएंगे, जरूरी हुआ तो प्रतियोगिता के नियम ही बदलवाएंगे। दौड़ में सबसे पीछे रहेगा जो खिलाड़ी, दौड़ में सबसे पीछे रहेगा जो खिलाड़ी, पदक उसको दिलवाएंगे। फिर हम पदक तालिका में फिसड्डियों की जमात में नहीं, सबसे ऊंचे पायदान पर नजर आएंगे। आसमान में चारों तरफ तिरंगे ही तिरंगे फहराएंगे। फिर हम कहेंगे सीना तान, मेरा भारत महान। बहुत अच्छे भाई साहब। लेकिन जहां सच्चाई को छिपाने के लिए जांच आयोग बिठाते हों, खिलाड़ियों से ज्यादा खेल अधिकारी दिखाते हों, खेलों के उद्घाटन अनाड़ियों की जय जयकार के लिए किए जाते हों, और काम के नाम पर सिर्फ भाषण दिए जाते हों, वहां हम इतना क्यों नहीं सोच पाते कि खोखले वादों से ओलंपिक में पदक नहीं जीते? क्या कहने, वाह वाह वाह। मैं एक सीधा कविता इसलिए कहना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग यहाँ पर कविता सुनने आए हैं, हम लोग सुनाने आए हैं, लेकिन कुछ खाकी और सफेद वर्दी में लोग आपको मिले होंगे या खड़े भी हैं, वो सिर्फ इसलिए आए हैं कि आप कविता सुन सकें और हम सुना सकें। उनके लिए इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहता हूं, एक बड़े शायर की पंक्ति, टूटने और बिखरने का चलन मान लिया, हमने हालात से शीशे का बदन मांग लिया, हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पे, लोग दौलत पे गिरे हमने वतन मांगा। इस मुल्क में आतंकवाद कब थमेगा, नक्सलवाद कब मिटेगा, इस सवाल का जवाब मेरा सिपाही नहीं जानता है, लेकिन मादरे वतन पर कुर्बान होना जानता है। हमला चाहे देश की संसद पर हो, आस्था के अक्षर धाम के मंदिर पर हो, कश्मीर की विधानसभा पर हो, या मुंबई के दिल पर, कोई हेमंत करकरे, कोई तुकाराम ओमले, कोई मोहनचंद शर्मा, कोई सरदार बलजीत सिंह, कोई जियाउल हक, कोई कमलेश कुमारी आएंगे और लोकतंत्र के मंदिर पर सबसे पहले अपना शीश धान कर। जो मुल्क की खातिर खाक होते हैं, उन खाकी वालों की भी कोई अंतिम इच्छा होती है, उसे व्यक्त करने की एक कोशिश मैंने की है। आतंकवादियों की गोली से मारे गए वीर सिपाही के शरीर के पास से जब मैंने उसकी डायरी को उठाया, तो उसके संस्मरणों में उसकी अंतिम इच्छा को मैंने इस तरह लिखे हुए पाया, मेरी लंबी सेवा में पुलिस थाने के अलावा ऐसा कोई सरकारी कार्यालय नजर नहीं आया जहां पूरे साल
24 घंटे मैंने कभी ताला लटका नहीं। वाह वाह। मेरी जिंदगी में कभी छुट्टी का संडे या मंडे नहीं आया, चारों तरफ जगमगाई जब दीपों की लाली, तो मैंने भी मना ली दिवाली। वाह। रंग गुलाल उड़ाती निकली मस्तानों की टोली, तो मेरी भी मन गई होली। पड़े न खलल चैन में, टूट न जाए ताले कहीं, मैंने बेचैन आंखों में नींद डुबोली। धूप सर्दी या बारिश न कर पाई मेरे जोश को ठंडा, मैं तो करता रहा ड्यूटी लेके हाथ में डंडा। मैं तो करता रहा ड्यूटी लेके हाथ में डंडा, सच कहूं ख्याल तो मेरे मन में भी बहुत आए, घर जाकर बीवी से बतियाऊं, पिक्चर ले जाऊं, मेला घुमाऊं, बच्चों को पढ़ाऊं, थपकी दे सुलाऊं, पर कमबख्त ड्यूटी ने हमेशा आफत डाली, कभी मन में सोच डाला कभी कल पे बात। क्या बात, वाह। कभी कल पे बात डाली और जमाने ने भी देखा तो हिकारत से देखा, गलती पे खाई अफसर की डांटे, जिसके दामन में हो सिर्फ नफरत और कांटे, तुम ही बताओ कि वो फूल कहाँ से बांटे। वाह। तुम ही बताओ कि वो फूल कहाँ से बांटे, माना मेरी वर्दी में नजर आते हैं काले धब्बे, पर अब तो इल्जाम है नींव की नींव से शिखर तक, हर कोई बेताब है नहाने को भ्रष्टाचार की गंगा पैर से सर तक, जब हर चेहरे पर पुत्र ही हो काले, तो मैं ही उजला नजर कैसे आऊं। जिस समाज में दुर्लभ हो गया हो ईमान का साबुन, वहां मैं अपनी वर्दी कैसे चमकाऊं। वाह। और दोस्तों, जिस पूरी बात के लिए मैंने कविता लिखी है, अंतिम पंक्तियां आपके बीच रखना चाहता हूं कि जब भी इस मुल्क में फौजी शहीद होता है, पूरे देश की आंखें नम होती हैं, हर रोज ड्यूटी पर पुलिसकर्मी मरते हैं, बहुत कम होती हैं वो आंखें जो नम होती हैं। वाह। मौत चाहे कारगिल की घाटी में हो या संसद के दरवाजे पर, छत्तीसगढ़ और झारखंड के जंगलों में हो या वीरप्पन की गोलियों से, मौत कोई कमतर नहीं है दोस्तों। मेरे तीन साथियों ने, जिनके साथ मैंने ट्रेनिंग की थी हैदराबाद में, उस जैसे 35,000 पुलिस वालों ने इस देश के लिए शहादत दी है, उन्हें प्रणाम करते हुए अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं। हम बांग्लादेश मुक्ति और कारगिल गाथा बड़े गर्व से गाते हैं, वीर शहीदों के किस्से हम सुनते और सुनाते हैं। जितने फौजी एक युद्ध में अपना शीश कटाते हैं, उतने तो हर साल यहाँ ड्यूटी पर मारे जाते हैं। आतंकी और लुटेरों से ये चमन नहीं लुट पाएगा, खाकी वर्दी वालों का बलिदान व्यर्थ न जाएगा, लेकिन जब इतिहास लिखो तुम, कलम उठाओ पन्नों पर, कसम तुम्हें है सच्चाई की इतना तुम दिखला देना, गर दिखती हो हरियाली और खुशहाली पंजाब की, पुलिस जनों की विधवाओं की सूनी मांग दिखा दे। काश्मीर में लोकतंत्र का झंडा जब फहराता हो, कुछ अनाथ बच्चों की बस हंसती तस्वीर दिखा देना, आसाम मणिपुर और त्रिपुरा में अब विघटन का शोर नहीं, कुछ गुमनाम चिताओं पर तुम श्रद्धा सुमन चला। गर दिखती हो शांति और व्यवस्था की उजली तस्वीर कहीं, डाकू की गोली से घायल लंगड़ी टांग बता दे। सीमा पर लड़ता है फौजी, फौजी अपने दुश्मन से, हम लड़ते अपनों से अपने मन से। होती है हमसे भी गलती, गलती करता है इंसान, हमको तो करनी है केवल कातिल वैशी की पहचान। कहते हैं कुछ लोग हम हैं वर्दी वाले गुंडे, अपनी भाषा गाली डंडे, बद जुबान हैं, बद दिमाग हैं, भ्रष्ट और निकम्मे हैं, सच्चाई अगर इसमें हो तो तोमत हमें लगा देना, पर मेरी अंतिम इच्छा पर इतना सम्मान दिखा देना, अगर खाकी वर्दी के पीछे भी दिख जाए इंसान कोई, तो बस प्यार से मुस्कुरा देना, तो बस प्यार से मुस्कुरा देना, तो बस प्यार से मुस्कुरा देना।